मल्टीनेशनल कंपनीज हमें बाद में विकसित करती है, पहले वो अपने को विकसित करती है। लेकिन एक माँ अपने लिए कम जीती है, अपने बच्चे के लिए ज्यादा जीती है। ठीक वही सोच मेरे परिवार ने मुझे दी है कि नींव की ईंट मजबूत होने से उस पे एक अच्छा मकान बनाया जा सकता है। मैंने एक कंपनी डेवलप की है जिसका नाम मैंने रखा है ई रामपुर वर्ल्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। मेरी वेबसाइट की पहचान आने वाले समय में www.eworldindia.com के नाम से जानी जाएगी। हम छोटे शहर में रह करके भी कुछ बड़ा कर सकते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज ऐसा नहीं है कि बड़ी लागत के साथ आएंगी और हमें खत्म कर देंगी। यूं तो रामपुर का एक अपना अलग ही ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक इतिहास रहा है। नवाबों की नगरी रामपुर मौजूदा दौर की अगर बात की जाए तो विवादों में हिस्सा ही जौहर यूनिवर्सिटी ने भी देश और दुनिया में रामपुर का नाम रोशन किया है। उसी रामपुर के नाम को चार चांद लगाने के लिए रामपुर से शिखर अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। किस तरह की उनकी मुहिम है, क्या वो रामपुर के लिए करना चाहते हैं? www.erampur.com के नाम से एक वेबसाइट उन्होंने लॉन्च की है जिसके ज़रिए रामपुर का नाम देश नहीं दुनिया में वो प्रसिद्ध करना चाहते हैं। खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शिखर अग्रवाल जी, क्या कॉन्सेप्ट है उसका, क्योंकि आप प्रोफेशनली एक अधिवक्ता भी हैं, उसके बाद बिल्कुल लाइन से हटकर एक वेबसाइट आप लॉन्च करते हैं, तो क्या उसका कॉन्सेप्ट है? देखिए, COVID-19 के समय जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में 26 मार्च को लॉकडाउन की घोषणा कर दी, तो सभी विकास के पहियों को जैसे विराम लग गया। उस समय में मैं एक टैक्स का प्रोफेशनल हूँ, अधिवक्ता हूँ, और इनकम टैक्स और GST मेरा मुख्य कार्य क्षेत्र है। उस कार्य क्षेत्र में जैसे मेरे व्यापारी वर्ग में जब रोक आ गई, व्यापार सारे थम गए, तो मैं बिल्कुल फ्री हो गया था, खाली हो गया था। और इस लॉकडाउन में मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के कहे अनुसार संपूर्ण 100% अपने परिवार के साथ लॉकडाउन किया। खाली समय में किताबें पढ़ी, माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के रोज़ नए नए हमें गाइडलाइंस आते थे, उसके अनुसार हमने काम किया, थोड़ा गार्डनिंग का काम किया, फिर परिवार में अपनी मिसेस की हेल्प की। लेकिन इस सब के साथ मुझे ऐसा लगने लगा, कुछ वाक्य मेरे ऐसे हुए इन द मीन टाइम जो मेरे प्रोफेशन से हट के मेरे सामाजिक परिवेश में मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि भाई दिक्कत है। जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान या हिंदुस्तान चाइना का वर्ल्ड वार हुआ, मतलब जब जंग हुई, उस समय के दौर में शायद हम थे नहीं, लेकिन जो हम किस्से सुनते थे तो ऐसा लगता था कि जैसे हर चीज़ थम जाती है। ठीक वैसे ही इस बार COVID-19 में, लॉकडाउन में, हर चीज़ थम सी गई। तो बैठे बैठे घर में ये विचार आया, कुछ वाक्य ऐसे हुए कि भाई क्या किया जाए, क्यों इस परिस्थिति से हम कैसे निकलें। जैसे एक बहुत छोटा सा वाक्य बताऊं कि घर में कुछ राशन का सामान ख़त्म हो गया, तो मेरी वाइफ ने कहा कि भाई आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट महोदय से पास बनवा लीजिए और आप अपना राशन का सामान ले आइए, लोग ला रहे हैं। तो मैंने उनसे यही कहा कि नहीं, ये गलत है और हमें नहीं करना चाहिए, हमें अपनी सुरक्षा और जनमानस की सुरक्षा का ध्यान हम ही नहीं रखेंगे प्रोफेशनल लोग होके, तो भाई आम आदमी से हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं। तो खैर, मैंने उनकी बात नहीं मानी, लेकिन मैंने अपने एक मित्र को फ़ोन किया जो एक परचूनी का काम करते हैं, तो उन्होंने मुझे कुछ इस तरीके की बातें बताई, तो वो मेरे यहाँ अपनी होम डिलीवरी नहीं कर पाए। उस समय आदरणीय DM साहब ने भी कहा कि भाई होम डिलीवरी की जाए, लेकिन ऐसा हो रहा था कि एक व्यापारी है हमारा, दुकानदार है, उसके यहाँ अपने लेबर ही नहीं आ पा रही थी, तो वो होम डिलीवरी कैसे करे। तो ये कुछ प्रैक्टिकल परेशानियाँ उस समय में रहीं। तो ऐसे वक्त में मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हम ऐसी विषम परिस्थितियों में जब हम एक जगह स्थिर हो जाएंगे तो हम हमारे कारोबार कैसे डेवलप होंगे। तो इसी तरीके से मुझे ऐसा फील आया कि आगे आने वाले वक्त में, जैसे कि आप ये समझ लीजिए कि अब हम ऑनलाइन की तरफ जा रहे हैं, हर चीज़ हमारी इंटरनेट पे आ रही है, हमें GST इनकम टैक्स भी अपना सब ऑनलाइन करना होता है, तो वैसे ही क्यों ना होम डिलीवरी सिस्टम जो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई होम डिलीवरी की जाए व्यापार की, वो उसी कंसेप्ट पे किया कि जैसे हमने कोई चीज़ ऑर्डर किया ऑनलाइन, वो हमारे घर पहुंच गया। लेकिन उसमें एक प्रैक्टिकल समस्या ये है कि हमारा देश इस चीज़ के लिए तैयार नहीं था।
लॉकडाउन लगा और हम इस चीज़ के लिए मेंटली तैयार नहीं थे, क्योंकि हमारे यहाँ जो जनसंख्या है, जितनी हमारी पॉपुलेशन है, उसमें हम कभी भी इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हुए कि ऑनलाइन, हमारे देश में शायद 10% ऑनलाइन कारोबार होता है अभी, 90% की इंटरनेशनल मार्केट हमारी जो एनालिसिस कर रही है, सर्वे कर रही है, तो ये कहती है कि भाई इंडिया एक वास्ट मार्केट है ऑनलाइन बिजनेस के लिए, तो 90% अभी यहाँ जगह खाली है। खैर वो सब चीज़ एक अलग विषय है। तो अब जब होम डिलीवरी का विषय वस्तु आया और मेरे मित्र ने मुझे मना किया कि सर मैं होम डिलीवरी नहीं कर पाऊँगा, मैं अकेला हूँ, या तो मैं रात को आपको होम डिलीवरी कर दूँगा, और वो नहीं कर पाया किसी कारणवश, उसके यहाँ स्टाफ नहीं था या जो भी परेशानी थी, तो मुझे ऐसा महसूस आया कि हम क्या छोटे शहर में रहकर, बड़े शहर के लोग होम डिलीवरी कर पा रहे हैं, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा है, तो क्या हम छोटे शहर के लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर सकते? तो मेरे बैठे बैठे आया क्यों ना हम भी यहाँ पे एक कंसेप्ट अपना होम डिलीवरी का, ऑनलाइन शॉपिंग का, ऑनलाइन बिजनेस का शुरू करें। इसी परिप्रेक्ष्य में मल्टीनेशनल कंपनीज बहुत कुछ कर रही हैं आज की तारीख में, लेकिन रिटेल मार्केट में कुछ ऐसा है छोटे शहर में, बड़े शहर में तो आप मॉल्स में जाकर के शॉपिंग कर लेते हैं, रिटेल मार्केट में कुछ ऐसा है कि आप छोटे शहर में हैं तो यहाँ पे मॉल का कंसेप्ट अभी इतना डेवलप नहीं हुआ है, और मॉल के कंसेप्ट के लिए भी आपकी जेब में भरपूर पैसा होना चाहिए। एक आम व्यक्ति, एक सेलरी क्लास व्यक्ति जिसकी आमदनी महीने में 15,000 रुपये है, वो मॉल में जाके रोज़ शॉपिंग नहीं कर सकता। अच्छा, ग्रॉसरी की तरफ मेरा ध्यान इसलिए गया क्योंकि लॉकडाउन में हर चीज़ की सेल परचेज रुक गई थी, सिर्फ एक खाने पीने की वस्तुओं पर रह गया था कि भाई खाने पीने की वस्तुओं की डिलीवरी हो। मैंने सोचा क्यों ना रामपुर को एक नया नाम दिया जाए। हमारे रामपुर में एशिया की बिगेस्ट रजा लाइब्रेरी है, हम जानते हैं, और नवाबों का शहर है हमारा रामपुर। अच्छा, पढ़ा लिखा वर्ग होने के नाते बैठे बैठे विचार आए, तो मैंने कहा एक कंपनी शुरू की जाए, कैसे इसकी परिप्रेक्ष्य की जाए, तो यही सोचा कि अभी शुरुआत कुछ ऐसी की जाए कि बड़ी कंपनियां, इंटरनेशनल कंपनियां जो 1,000 करोड़ कंपनियां की लागत वाली कंपनियां हैं, तो उनके पास हर चीज़ डेवलप करने के लिए उन्हें चुटकी भर लगता है और वो अपना जो भी चाहते हैं इस देश में करते हैं। हम क्या करें? हम रामपुर में बैठे हैं, हम मुरादाबाद में बैठे हैं, फ़र्ज़ कीजिए हम बरेली में बैठे हैं, तो हम ऐसा क्या करें कि हमारा व्यापार भी न डिस्टर्ब हो और हम इस टाइप की इमरजेंसी सिचुएशंस में कुछ कर पाएँ। जैसे कि आपने रिटेल मार्केटिंग के बारे में बताया, एक अभी आपके सिस्टम पर भी हम देख रहे हैं ये, जी जी, www.erampur.com और ई वर्ल्ड इंडिया में क्या डिफरेंट है, क्या फ़र्क है? ऐसा है कि मैंने एक कंपनी डेवलप की है जिसका नाम मैंने रखा है ई रामपुर वर्ल्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इसका जो लोगो या ट्रेडमार्क मैं कर रहा हूँ वो मेरा रहेगा ई वर्ल्ड इंडिया, और मेरी इंडिया की पहचान, मेरी वेबसाइट की पहचान आने वाले समय में www.eworldindia.com के नाम से जानी जाएगी, जहां पर मेरे शहर, हर शहर के, मेरे इंडिया के हर शहर के लोगों का पोर्टल उससे जुड़ा होगा। जैसे मेरे पास है इस समय www.erampur.com, www.ebareli.in, www.emuradabad.com, www.ehapur.com, तरीके से वेब पोर्टल्स मैं अपने eworldindia.com पर जोड़ूंगा। ये एक मेरी प्लानिंग है, लेकिन अभी पहले डेवलप करना है अपने रामपुर शहर को। मल्टीनेशनल कंपनीज या कोई भी कंपनी हमें बाद में विकसित करती है, पहले वो अपने को विकसित करती है। लेकिन एक माँ अपने लिए अपने कम जीती है, अपने बच्चे के लिए ज़्यादा जीती है। ठीक वही सोच मेरे परिवार ने मुझे दी है कि नींव की ईंट मजबूत होने से उस पर एक अच्छा मकान बनाया जा सकता है। हिंदुस्तान में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के स्वदेशी अपनाओ, देश को विकासशील प्रगति की ओर ले जाओ, इस सोच से मैं बहुत प्रभावित हूँ। और मेरी भी सोच है कि जो हमारा छोटा छोटा तबका, हमारा छोटा छोटा शहर, छोटे छोटे प्रदेश, राज्य, जो कि आज़ादी से पहले, ब्रिटिश इंडिया काल से पहले जाने जाते थे सोने की चिड़िया के रूप में हमारे देश में, आदरणीय नवाब साहब के टाइम पर
हमारे यहाँ पे एक रजा टेक्सटाइल थी, अपना कपड़ा मिल थी अपनी, हमारा पावर हाउस था अपना। तो ऐसा नहीं है कि रामपुर में हमारे पास डेवलपमेंट के नाम पे बहुत कुछ था। सर, इन आने वाले वक्त में एक सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगा, जैसे मल्टीनेशनल कंपनी है, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील है, आपकी कंपनी, आपकी वेबसाइट को बंदा क्यों विजिट करे, क्या उसके लिए बेनिफिट है? ख़ासतौर से रामपुर की अगर बात करें तो रामपुर के लिए क्या बेनिफिट है? हाँ देखिए, ऐसा है कि अब हम ऑनलाइन कंसेप्ट पे जा रहे हैं और हमारा जो रिटेलर है वो 1 लाख से लेकर 10 लाख तक का स्टॉक लेके बैठा है एक दुकान में। अभी तो मैं ग्रॉसरी आइटम्स की बात कर रहा हूँ, मैं अभी ग्रॉसरी की शुरुआत की है। तो अभी क्या है कि मैंने वेबसाइट में अभी तो शुरुआत एक बहुत छोटी सी की है, ऑनलाइन डिलीवरी की शुरू की है। उसमें ये रखा है कि आप ऑर्डर कीजिए, ऑनलाइन डिलीवरी आपके घर तक पहुँचेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट पहुँचेगी। लेकिन इसमें आगे का फेज़ ये है कि मेरे 50 दुकानदार रामपुर के हैं, उनको मैं जोड़ूंगा, चाहे उनकी कैपिटल 1 लाख है, चाहे 1,000 है, चाहे 1 करोड़ है। और आपके माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से, मेरी घर की जो महिलाएं हैं, जो मेरे घर के पुरुष काम पे चले जाते हैं और महिलाएं रह जाती हैं, बच्चे रह जाते हैं, अब उनको एक ब्रिटानिया केक खरीदना है, अब महिला हमारे घर से बाहर निकले बच्चों को छोड़ के, तो ब्रिटानिया केक या तो फ़ोन पे ऑर्डर करें, तो एक रिटेलर, छोटी लागत वाला रिटेलर एक ब्रिटानिया केक आपका ऑर्डर नहीं करेगा। बहुत छोटा सा कंसेप्ट है। तो मैं अपनी साइट के माध्यम से सभी दुकानों को जोड़ करके, पोर्टल पे जोड़ करके, ऑनलाइन एक ब्रिटानिया केक का ऑर्डर भी कर सकता हूँ और वो मेरा व्यक्ति आपके यहाँ डिलीवरी करेगा, होम डिलीवरी करेगा। कंसेप्ट इसमें क्या है, ये क्या नया क्या है इसमें? नया ये है कि जो 1 लाख से पूंजी से लेके और 10 लाख तक की पूंजी वाला व्यक्ति है, 1 करोड़ वाली पूंजी वाला व्यक्ति है, वो भी एक तरीके से, उसको, उसके पास व्यक्तियों की कमी है, कोरियर बॉय की कमी है, वो अपनी जगह से तो माल बेच सकता है लेकिन ऑनलाइन नहीं बेच पा रहा है, क्योंकि ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए वो वेबसाइट डेवलप करेगा, अपनी दुकान तो सजाएगा ही सजाएगा, फिर वेबसाइट डेवलप करेगा, फिर एडवर्टीजमेंट का खर्चा करेगा। तो ये सारी चीज़ मेरी कंपनी करेगी, मेरा पोर्टल करेगा। रामपुर की चीज़ों को हम इसमें लाएंगे, जोड़ेंगे और डायरेक्ट मुनाफा मेरे रिटेल भाई को, मेरे मैन्युफैक्चरर भाई को, कस्टमर से डायरेक्ट पहुंचेगा। मेरे रामपुर को लोग जानेंगे, विश्व में जानेंगे, पूरे देश में जानेंगे, तो मेरे रामपुर का जो आज सेल, एक कस्टमर, मेरा एक छोटा सा जरी हाउस वाला व्यक्ति है, वो छोटी सी सेल करता है, मान लीजिए लेट सपोज 50 लाख की सेल करता है, और उसके पास जयपुर से, महाराष्ट्र से पार्टीज आती हैं, ऑर्डर देती हैं। अब क्या है कि वो जब ऑनलाइन जुड़ जाएगा तो वो ऑर्डर उसको वहीं से मल्टीनेशनल कंपनियां भी दे पाएंगी और मेरे पोर्टल के माध्यम से उसकी मैं डिलीवरी कर पाऊंगा, तो जो प्रॉफिट है उसको डायरेक्ट जाएगा। यानी कि जो लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास जो दुकानदार है उन्हें सीधा सीधा बेनिफिट मिल रहा है। हाँ, सीधा सीधा उसको जोड़ूंगा अपने पोर्टल के माध्यम से और कंज्यूमर डायरेक्ट उनसे शॉपिंग कर पाएगा और डिलीवरी हमारे थ्रू। अमृत विचार के माध्यम से रामपुर वासियों से या जो लोग आपसे जुड़ेंगे उनसे क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर हम छोटे शहर में रह रहे हैं तो हमारी सोच छोटी नहीं होनी चाहिए। हम छोटे शहर में रह करके भी कुछ बड़ा कर सकते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज ऐसा नहीं है कि बड़ी लागत के साथ आएंगी और हमें ख़त्म कर देंगी। एक जनमानस की, प्रजा की हमेशा आवश्यकता रहेगी और अगर हम चाहेंगे तो हम अपना छोटा रिटेल मार्केट को भी ऑनलाइन करके अपने बिजनेस प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। अमृत विचार से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये थे हमारे साथ शिखर अग्रवाल जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की डिजिटल इंडिया मुहिम को आगे लेकर चल रहे हैं और इनका ये सपना है कि जो रामपुर है, रामपुर का नाम देश और दुनिया में फिर उसी तरह से रोशन हो, फिर उसी तरह से जगमगाए जिस तरह से पहले जगमगाता था। और उनकी ख़ास तौर पर ये मुहिम है कि रामपुर को एक अलग ही पहचान दी जाए। कैमरा पर्सन फरदीन अली के साथ अब्दुल वाजिद, अमृत विचार।